हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माई न्यू माइनक्राफ्ट वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप इजीली स्टोन फार्म कैसे बना सकते हैं। तो स्टोन फार्म बनाने के लिए हम चलते हैं। तो ये हमने हमारे घर घर के बगल से डस्ट की यहाँ पर साफ़ सफाई की थी। यहाँ पर हमने काफ़ी एरिया क्लीन कर दिया। यहाँ पर से हमें काफ़ी कॉबल स्टोन मिले। यहाँ अब इस कॉबल स्टोन को हम स्टोन बदलने के लिए एक छोटा सा फार्म बनाएंगे। तो हम फार्म बनाने के लिए नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने चेस्ट में काफ़ी कॉबल स्टोन कलेक्ट कर रखा है, तो हम कॉबल स्टोन को ले लेंगे। हमने सारा कॉबल स्टोन चेस्ट में से निकाल लिया है। अब हमें चाहिए होगा होंगे दो होपर, और इस होपर को हमें यहाँ पर इस चेस्ट के ऊपर बैठ कर के लगा देना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसे। और इसके ऊपर लगाएंगे हम फर्नेस। फर्नेस की मुंह उस तरफ होनी चाहिए, तो हम पहले से तोड़ लेते हैं। तो ये किधर गया फर्नेस? हाँ, ये रहा, चेस्ट में मिल गया। तो हम यहाँ पर ऊपर जाएंगे और ऊपर से लगाएंगे इस पर फर्नेस। तो यहाँ पर हमें ऊपर ये बैठ कर फर्नेस लगा देनी है, और इसके ऊपर लगाएंगे एक हॉपर, और हॉपर के ऊपर लगाएंगे एक चेस्ट। तो ये हमारी चेस्ट लग चुकी है। और इस चेस्ट में हम अब कॉबल स्टोन डाल देंगे। एक कॉबल स्टोन से पहले हम इस फर्नेस में कोल डाल देते हैं। तो हमने कोल काफ़ी कलेक्ट कर रखा है, तो हमें कोल डाल दिया इसमें चेस्ट में। हमको ये देखिए कॉबल स्टोन डाल देना है। ये देखिए, जैसे ही हमने कॉबल स्टोन डालने लगे, तो ये चेस्ट में से ये कॉबल स्टोन होपर के थ्रू फर्नेस में जा रहे हैं। तो हम इस सारे कॉबल स्टोन को इसमें डाल देते हैं। हमने सारा कॉबल स्टोन इसमें डाल दिया, तो अब इन्हें तोड़ कर नीचे चलते हैं। तो ये देखिए, ये हमने चेस्ट में कॉबल स्टोन डाल दिए हैं। और ये देखिए, इस चेस्ट में से होकर इस होपर में ये आ रहे हैं, और होपर से सीधे फर्नेस में आ रहे हैं, जहाँ हमने कोल डाली। यहाँ पर स्टोन बन रहा है, ये देखिए स्टोन बन रहा है, और सीधे होपर के थ्रू चेस्ट में जाकर कलेक्ट हो रहा है। ये देखिए स्टोन आया और एक गया। तो ये देखिए होपर के थ्रू इसमें चेस्ट में आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर आकर कलेक्ट हो रहा है। यहाँ पर हमारे स्टोन आकर कलेक्ट हो चुके हैं। तो हमारा ये छोटा बेसिक सा फार्म है। तो अब हम थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करते हैं कितने स्टोन यहाँ पर स्मेल्ट होते हैं। जब तक स्टोन स्मेल्ट हो रहे हैं, तो हमारी फसल को भी काट लेते हैं। तो अब हमारी फसल भी कट चुकी है। तो हमारे पास काफ़ी वीट कलेक्ट हो चुके हैं यहाँ पर, तो इन्हें भी कलेक्ट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास काफ़ी वीट कलेक्ट हो चुके हैं, इनसे काफ़ी ब्रेड बना सकते हैं हम। तो यहाँ पर हम सीड्स लगा देते हैं वापस, जिससे हमारी फसल दोबारा तैयार हो जाए। तो हमने सारे खेत में सीड्स लगा दिए हैं, और हम चलते हैं अपने छोटे से फार्म के पास, देखते हैं कितने स्टोन स्मेल्ट हो चुके हैं।
ये देखिए यहाँ पर ये काफ़ी स्टोन स्मेल्ट हो चुके हैं, तो हम इस स्टोन से स्टोन ब्रिक्स बना सकते हैं। ये देखिए तो ये हमारा छोटा सा फार्म। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमने हमारे होम के हाउस के पास से काफ़ी एरिया ये क्लीन कर दिया है और काफ़ी एरिया क्लीन करना बाकी रहा है, तो इसको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो ये हमारे घर पर क्या कर रहे हैं, इनको अभी तोड़ते हैं। ये बहुत बेकार लग रहे हैं, इन्हें तोड़ देते हैं। तो हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।